श्रद्धा उनकी को एक्टर हैं, इनकी ये देखिए, ये दरअसल इनके घर में आप समझते हैं ना किस टाइप का पॉट है, तो इस हिसाब से, बट यस व्हाट टू डू, लाइफ इज अ स्ट्रगल। Can we ask the media to ask whatever questions that you feel like? Please feel free. Yes. We can start the Q&A over here. Yes. Yes. थोड़ा सा इधर आ जाएंगे हम लोग, स्प्रेड हो जाते हैं बस। कम लिजल कम। तो आप प्लीज पूछिए सर। वरुण पाजी। वरुण पाजी यार। आप पाजी। इधर ऑन। चंगा पाजी। All good, all good. On the left, first of all, congratulations to you and the team. Thank you. You know, when the last time we met, आपने कहा था कि we were on a tight schedule क्योंकि हमें post production के लिए भी काम पूरी वो मेहनत लगती है, उतना time लगता है, and actually it has paid off very well. हमने ट्रेलर में देख के पता लग रहा है। मेरा सवाल आपसे जिस तरीके से फिल्म की जो स्टोरी हमने देखी ट्रेलर में, मतलब क्रॉस बॉर्डर डांस कंपटीशन होता है, एट द एंड वी आर सीइंग मिले सुर मेरा तुम्हारा टुगेदर, एक्चुअली डोंट यू थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम, मतलब एक तो रिपब्लिक डे का वीकेंड आ रहा है, इट्स अ परफेक्ट टाइम, और ये आज के टाइम में ये बहुत जरूरी भी है, वेयर द फिल्म इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी टुगेदरनेस, एकता की बात कर रही है, डू यू थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर दिस फिल्म? आई थिंक 100% ये जो फिल्म थी, जब मुझे ऑफर हुई थी, एक्चुअली तुषार और रेमो सर आए थे तो उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी ऑन खालसा एड, ऑन स्वॉट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वे दे हेल्प पीपल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, ये लोग हेल्प करते हैं, खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, डजेंट मैटर कि वो लोग क्या कास्ट क्रीड कलर के होते हैं। तो ये मैं डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म अमन के बारे में है, इट्स अबाउट पीस ह्यूमैनिटी। हमारे फिल्म का जो डायरेक्टर है इज अ क्रिश्चियन गुजराती, जो हीरो है वो पंजाबी है, जो हीरोइन है शी इज़ पंजाबी महाराष्ट्रन, हमारे फिल्म में गुजराती है, मराठी है, सिख है, मुस्लिम है, मरोकिन है, मतलब हर देश, आप देख लो नेपाल से भी लोग हैं, वी हैव ऑल रिलीजन्स कमिंग टुगेदर एंड पीसफुली, एक बहुत पीसफुल मैसेज देना चाहते हैं हम लोग जो ये फिल्म के थ्रू आएगी, इट्स जस्ट दैट कि डांस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पीस। श्रद्धा, मेरा सवाल आपसे है, इस साल आपका बहुत ही बिजी रहा विद साहो छिछोरे एंड श्री डांसा, यू वर शूटिंग यू नो बैक टू बैक विद दिस फिल्म, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे वरुण पाजी ने ABCD2 के टाइम पे कहा था कि जब मैं बदलापुर ABCD2 कर रहा था, फॉर मी कमिंग ऑन ABCD2 सेट वॉज लाइक अ रिलीफ, मतलब मैं वो वहाँ से मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता था, इज दैट अ सेम केस, मतलब एक तो यू आर डूइंग अ हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर साहो, देन यू आर डूइंग एन इमोशनल ड्रामा विच हैज अ कॉमेडी एज वेल छिछोरे, बट कमिंग ऑन स्ट्रीट डांसर सेट एंड वर्किंग अगेन विद वरुण पाजी, वॉज देर अ रिलीफ काइंड ऑफ यू, था कुछ रिलीफ जैसा? यू नो you know I think the best part of course to be back with Varun and more than anything also is to be back with the whole ABCD2 gang and that family again, to kyunki humne itna waqt guzara tha aur ek dusre ko itne acche itni achhi tarah se jaan gaye the, to jab aap wapas aa jate ho aur wo energy aa jati hai wapas, aur kai kai new members bhi hain is bari Nora hai and we have many many other amazing dancers, to unke sath wapas aana aur unke unse itna kuch seekhna, I think ki you don't get that kind of an opportunity, and sabke liye bahut challenging tha, bahut bahut challenging tha, because हमें इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल फ्रॉम ABCD2 वी हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, सो सब ने बहुत मेहनत की, बहुत बीमार पड़ी भी है सेट पे, ये बोल रही नहीं है बट 3 या 4 बार बहुत बीमार पड़ी है ये, शी वुड फॉल वेरी अनवेल बिकॉज हर स्केड वॉज क्रेजी, बट एक्चुअली आई थिंक रेमो सर एंड मी आर सो थैंकफुल टू श्रद्धा, क्योंकि ये जिस तरीके से फिल्म में आई है उसका एक अलग ही स्टोरी है। Remo? Yeah. Hi, towards your right. Here. Hi. First of all, congratulations to the entire gang. Amazing trailer, I should say. This is Ankita from Republic. And film jo hai wo already kafi kuch hit dikh rahi hai mujhe, because जो डांसिंग है, जो फैक्टर है, जो जो 3D आपने जो यूज़ किया है काफ़ी अच्छा है, बट सर आपसे जानना चाहूँगी कितना चैलेंजिंग था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि फर्स्ट 3D फिल्म है इंडिया की, सेकंड मतलब मेरे लिए फोर्थ, आपके लिए फोर्थ है, एंड ऑल्सो वॉन्टेड टू चेक विद यू कि क्या हम ये फोर्थ भी देख सकते हैं, इसका इंस्टॉलमेंट, द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट? ऑफकोर्स वाई नॉट, और इतनी मेहनत करके ये एक प्रोडक्ट बनाया है तो यस बिल्कुल मेरी वहां देख रहा हूँ क्योंकि हम कर चुके पहले, बस ताकत ये है ना, मेरी लिजेल इज माय हीरोइन, और क्योंकि नोरा मोरक्को से, और
मुनिया भी मोरक्को से है, तो मेरी दो हीरोइन यहाँ पे है. साथ ही जो आपने मुकाला सॉन्ग है मुकाबला जी. जो आप लोग ने वापस से रीडू किया है yeah. कितना टफ था बिकॉज यू नो ही इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग और प्रभु देवा जी का जो सॉन्ग है उसको फिर से परफॉर्म करना और उसको इतने अच्छे से खूबसूरती से करना, क्या कुछ टफ था उस सॉन्ग के लिए? वो मैं बता दूं, सबसे पहले जब मुझे भूषण जी ने बोला कि ये गाना यूज कर सकते हैं अच्छा. तो मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि ये मैंने जब मैं स्कूल में था तब 25 साल पहले प्रभु सर ने ये गाना किया था 25 years back. और मुझे नहीं पता था कि ये गाना कभी मैं मतलब मैं प्रभु सर से मिल पाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं गाना कर पाऊंगा कभी उनके साथ सेम गाना. और फिर जब मिला टेंशन था क्योंकि इतना आइकॉनिक गाना, ऊपर से इतना अच्छा शूट किया था उस टाइम पे, तो डर लग रहा था मुझे कि कैसे होगा. लेकिन मुझे एक बात का कॉन्फिडेंस था क्योंकि इसमें प्रभु देवा खुद ही थे, तो मैंने बोला ये मेरे साथ है बस, मेरे और कुछ नहीं होगा. ये अच्छा लगा कि मतलब वरुण और श्रद्धा नहीं नाचेंगे गाने में, प्रभु देवा है तो ठीक है संभल जाएगा. हाँ बहुत इन लोगों ने बहुत पीछे मेरे किया, सर एक स्टेप तो डाल दो मेरा, एक स्टेप कर दो. मैंने बोला स्टोरी में नहीं है, भीख मांगा है. हाँ ये फिर मेरे को जबरदस्ती एक शॉट लेना पड़ा जो फिल्म में नहीं है, जो फिल्म में नहीं है आपके लिए सर प्लीज सर. बट वॉच आउट फॉर अदर गाइज, बट वॉच आउट फॉर श्रद्धा एंड प्रभु सर का एक मस्ती निकल के आ रही है अगर, तो फिर ऑन द सेट भी ये ज्यादा होता होगा. डांस नहीं, इनको कंट्रोल करना कैसा था वो पूछो रोज. नहीं ये सारे बहुत ही ये इनसे बात करके तो लग ही गया होगा बहुत नटखट है. एक ये शांत रहता है अपने, एक बोलते ना क्लास में एक मॉनिटर जो सबको ये वो लड़का है, बाकी ये भी बहुत सीधा है, थोड़ा सा है बिगड़ गया सर, बिगड़ गया. ये जो छुप रहा है ये शक्ल से बहुत सीधा दिखता है, ये और ये इनको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है मुझे. और बाकी सब बहुत मस्ती करते रहते हैं लेकिन डर जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये जो है ना दो और ये इनके चक्कर में ये दोनों भी, ये तीनों बेसिकली. हाँ मतलब सबसे ज्यादा टेंशन वही होता था कि इनको कंट्रोल करना बस. वरुण सर और श्रद्धा जी, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल आप दोनों, योर सेंटर देखिए ट्रेलर बहुत अच्छा है और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. मेरा सवाल ये था कि एक तरह से देखा जाए तो ऑन स्क्रीन आप स्ट्रीट डांस में आप डेब्यू कर रहे हैं एक तरह से, क्या रियल लाइफ में आप दोनों ने कभी स्ट्रीट पे डांस किया है? और दूसरा सवाल इसके अलावा, डांस के अलावा और क्या क्या शौक है, क्योंकि स्टारों के शौक होते हैं कि पानी पूरी स्ट्रीट पे खड़े होकर खाना. स्ट्रीट पे क्या शौक है हमारे? आप दोनों के? एक्चुअली मैं और बहुत पेचीदा सवाल फेंका है आपने बहुत कैजुअली, बट मैं बोल देता हूँ कि स्ट्रीट पे ज्यादातर नहीं करना चाहिए कुछ मतलब, पर क्योंकि अलाउड नहीं है, पर स्ट्रीट पे डेफिनेटली मैं नाचा हूँ. गणपति विसर्जन में मैं रहता हूँ जू बीच के सामने, ये भी हम दोनों बचपन से नाचते आए हैं एक साथ. एक्चुअली दिस इज अ ट्रू थिंग, क्योंकि इनका हाउ ओल्ड आर यू व्हेन आई गेम फॉर योर फर्स्ट बर्थडे पार्टी? 7? नहीं, नॉट फर्स्ट बर्थडे, नॉट 1. नो जब मैं फर्स्ट, पर जब पहली बार मैं इनवाइट हुआ था इनके कोई बर्थडे पार्टी पे, मुझे अभी भी याद है इन्होंने कुछ पिंक कलर का फ्रॉक पहना था और वो हैंड पे ऐसा ग्लव वव था, और ये बहुत गुस्सा हो गई थी क्योंकि मैं, और डांस कॉम्पिटिशन होता है ना बच्चों के बर्थडे पार्टी में, तो मैं हमेशा जेन्युइनली फर्स्ट आता था उस वक्त, क्योंकि ऐसे डांसर्स तो नहीं आते थे वो पार्टी में, तो मैं जीत जाता था. बट ये मेरे से बहुत गुस्सा हो जाती थी बिकॉज मैं इनके साथ नहीं नाचता था उस वक्त. पर अभी तो नाच रहे तो भाई नाचते ही है साथ में यार, और अलावा नहीं करते कुछ. कभी कभी रोड पे, हाँ वो मतलब सब जू बीच पे जो खाना पीना मिलता है वो करते हैं, कछुआ वछुआ लड़ते हैं उनको भी देखा है, और पानी पूरी खाना, विसर्जन के टाइम पे मस्त डांस करना, क्रिकेट भी खेला है मैं, स्ट्रीट पे क्रिकेट भी खेला है, और फिर गाड़ी आती है और फिर आपको वो टायर या जो ब्रिक होता है वो आप विकेट बना देते हो, वो हटाना पड़ता है, वो गाली देके जाता है, बोला हाँ तेरी हाँ चल, फिर वापस रख के वापस खेलते, तो इधर से ही है तो ऐसा ही है अपना. हाँ क्या कर सकते हैं भाई, स्ट्रीट पे कुछ तो है, कुछ तो है. किसका, किसके आदमी हो तुम भाई, कौन से हीरो ने भेजा है तुम्हें? Love you. Hello, hi. On your right, Varun, Sohail. Yeah, on your right. Haan, Sohail, what's up, buddy? Remo, Varun, Shraddha, Bhushan ji, and entire team. Congratulations. Bahut hi zabardast trailer hai. Thank you, sir.
पहले दोनों पार्ट वॉज सुपर और वी टॉकिंग अबाउट डांसिंग स्किल, तो इस बार सुपर से ऊपर होना चाहिए था, तो उसके लिए कितनी मेहनत गई है। एंड डेफिनेटली रेमो जी आपने भी देखा होगा कि अभी इससे और कुछ अच्छा करना है, व्हाट हैव टू से अबाउट दैट थिंग वरुण एंड श्रद्धा आल्सो। मेरे लिए तो ये बहुत मतलब हर बार जब भी डांस फिल्म बनाते हैं तो मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन एक डांस फिल्म के बाद दूसरी डांस फिल्म बनाना और उसके ऊपर जाना, उसके बाद दूसरी बनने के बाद ये स्ट्रीट डांसर 3 के साथ आना, और लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है, यही लोग हैं मेरे, सब जितने हैं यही लोग आते हैं, और मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि जो टैलेंट है वही आता है, और जो नया टैलेंट है वही अपने आप में एक नयापन लेके आता है। सो मेरे इस वाले स्ट्रीट डांसर 3 में मेरे ये टैलेंट तो है ही, लेकिन इसमें बहुत सारे नई एंट्रीज हैं। सो एक टीम है, पूरी की पूरी नई टीम है जो आई है, बहुत कुछ नया लेके आई है। सो पहली बात जब ये फिल्म शुरू हुई तो मैं भी सोच रहा था अभी नया क्या होगा, तो पहला डायलॉग ही है कि सर ने इनको पूछा कुछ नया नहीं है क्या, वही करोगे? और मैं और मुझे यही पूछ रहे तू कब करेगा डांस, मतलब मैं कर रहा हूँ सर, एक तुम लोग करके देखो। यस श्रद्धा, something from you also, like you must have also tried it now, next something level. More better, yeah, how next do you go better? Super se upar, I think ki hum sab ke liye jaise maine kaha ki bahut difficult tha, and I can't even imagine ki Remo sir ke liye, kyunki inhone ye genre he's brought it to India, you know, so unke liye I think kafi kaam nazar aa rahe hai, lekin I can't even imagine ki kitna pressure in pe raha.